हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और सभी बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अक्सर बच्चों में, छोटे बच्चों में एक समस्या देखी जाती है मिट्टी खाने की, कि बच्चे चौक होता है, मिट्टी होती है, स्लेट पर लिखने वाली जो आता है चौक, वो भी वो बच्चे खा जाते हैं। तो बच्चों की ये समस्या क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और कौन से इसके घरेलू उपाय होते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा बेसिकली दूध पर ही डिपेंड रहता है, मैक्सिमम टाइम बच्चा दूध ही पीता है। लेकिन जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है, हम बच्चे को अन्न खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 6 महीने का जो बच्चा होता है वो बहुत ही कम मात्रा में अन्न खाता है, मैक्सिमम टाइम दूध पीता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, 1 साल का बच्चा हो जाता है, तो बच्चा बाहर घूमने लगता है, चीजें पकड़ने लगता है, खाने लगता है। तो ऐसे में बच्चा सबसे पहले जो चीजें उसको नहीं खानी है वो चीजें खानी शुरू कर देता है। चौक हो गया, मट्टी हो गई, कोई भी मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये सब चीजें बच्चा खाने लगता है। दोस्तों, ये सब खाना बच्चे के लिए बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस ये खाने के बच्चे के क्या क्या कारण होते हैं? देखिए दोस्तों, बच्चा बेसिकली ये सब चीजें खाता है क्योंकि बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। बच्चा इन सब चीजों को खाना क्यों शुरू करता है? बेसिकली इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है कि बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी। अगर आपके बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी है, अगर आपके बच्चे के शरीर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं जा पा रहा है, बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाता है, या कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, तो उस वजह से बच्चा ये सब चीजें खानी शुरू कर देता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ब्लड की और आयरन की कमी के कारण भी बच्चा मिट्टी और चौक वगैरह खाने लगता है। तो ये अगर आपके बच्चे के शरीर में इन चीजों की कमी है तो बच्चा बेसिकली ये सब चीजें खाना शुरू कर देता है। और तीसरा एक और कारण होता है इसका, वो होता है कि पेट में कीड़े होना। अगर आपके बच्चे के पेट में दोस्तों कीड़े हैं, तो कीड़े होने से क्या होता है कि बच्चा जो भी खाता है, वो जो बच्चे के पेट में वॉर्म्स होते हैं वो उस खाने को खा लेते हैं, तो बच्चे के शरीर में कमी हो जाती है पोषक तत्वों की, जिससे कि बच्चा ये सब चीजें खाना शुरू कर देता है। ये तो दोस्तों इसके कुछ कारण हुए। अब बात करते हैं कि बच्चे के शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप बच्चे को प्रचुर मात्रा में खाना खिला रहे हैं, सब बात हो रही है, सब बच्चा दूध भी पीता है, खाना भी खाता है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा है, बच्चे की स्किन पर चमक ही नहीं है, बच्चे का वेट कम होता जा रहा है, बच्चा पतला होता जा रहा है, बच्चे के पेट में लगातार दर्द चल रहा है, बच्चे को उल्टी की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चे का चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, कहते ना एक सफेद सा चेहरा पड़ता जा रहा है, तो ये सब चीजें होती है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो ऐसे अगर कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको दिखाएं कि आपका बच्चा प्रॉपर मात्रा में डाइट ले रहा है, तब भी उसको ऐसा हो रहा है, और डाइट नहीं ले रहा है उसके कारण ऐसा हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जिससे कि डॉक्टर आपको एक सही सलाह दे सके। ये तो दोस्तों इसके कुछ लक्षण हुए। अब बात करते हैं कि बच्चे की डाइट में आप क्या क्या शामिल करें जिससे कि बच्चे के पेट में जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है बच्चे के शरीर में वो ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे के शरीर में आयरन की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, तो आपको बच्चे की डाइट में आयरन युक्त भोजन को शामिल करना होगा। आयरन युक्त भोजन के लिए दोस्तों आप बच्चे को खिलाएं चुकंदर, पालक, हरी सब्जियां, गुड़ आप बच्चे को दे सकते हैं, गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। बच्चे का खाना आप लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाएं, जिससे कि बच्चे के खाने में भी आयरन अच्छे से जा पाए। तो आपको बेसिकली बच्चे के खाने में आयरन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। कैल्शियम युक्त भोजन आपको बच्चे को देना है, जैसे कि दूध, साबूदाना, सूजी की खीर, आप दूध का दलिया दे सकते हैं, दालें बच्चे को दीजिए विटामिन के लिए, हरी सब्जियां आप ऐड कीजिए, सूप ऐड कीजिए, जो आपका बच्चा खाना पसंद करता है वो सब चीजें आप बच्चे के डाइट में शामिल कीजिए। अगर दोस्तों आप बच्चे को पोषक तत्वों से भरपूर खाना देंगे तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी मिट्टी और ये चौक वगैरह खाना बंद कर देगा। तो बेसिकली रीजन यही आता है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर बच्चे को खाना दीजिए।
अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका बच्चा मिट्टी और चोक खाता है, सबसे पहला जो घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं वो होता है कि आप बच्चे को 3 से 4 लोंगों को पानी में पका दीजिए। जब उसका जो पानी थोड़ा सा, 1 कप पानी लीजिए, आधा कप बच जाता है, तो आप बच्चे को 1-1 चम्मच करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। ये बच्चे की इस आदत को छुड़ाने के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। लौंग बच्चे के लिए वैसे भी बहुत फायदेमंद होती है, बच्चे को सर्दी नहीं लगती है, बच्चे की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, बच्चे के पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है, तो लौंग बच्चे के लिए वैसे भी बहुत फायदेमंद होती है। और अगर आप बच्चे को लौंग का पानी देते हैं तो ये बच्चे के जो मिट्टी चौक खाने की आदतें हैं उनको काफी हद तक कम कर देती है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको बच्चे को देना है दोस्तों केले के ऊपर शहद लगा के। केला और शहद दोस्तों कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर आप केले और शहद को बच्चे को देते हैं तो बच्चा बहुत ही जल्दी मिट्टी और चौक खाना बंद कर देता है। आप बच्चे को तुलसी और अदरक के रस को मिलाकर दीजिए। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं और बच्चे को पोषक तत्व जो मिल रहे हैं वो बच्चे के शरीर में लगने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारे घरेलू उपाय करते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। बच्चा आपका बहुत ही जल्दी मिट्टी और चोक वगैरह खाना बंद कर देगा। पेट में कीड़े हैं तो वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। उसके लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये अगर आप सब चीजें करते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी दोस्तों स्वस्थ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिली होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।